बच्चे अलाइड में फंस जाते हैं, अलाइड में, क्योंकि अलाइड में आपका अभी आईबीपीएस अलाइड को ही फोकस करता है, अलाइड को, और प्लस आपको जो स्कीम वगैरह होते हैं ना, हाँ प्रायोरिटी वहां सेक्टर पे। लैंडिंग, जो स्टैटिक करंट अफेयर्स, उस पर फोकस करता है। अगर ये किसी का स्ट्रांग नहीं हुआ तो वो कंपटीशन से थोड़ा सा, मतलब वो पीछे रह जाएगा कंपटीशन में। और मैं रिविजन ऐसे करता था, लोग लोग टारगेट वाइज आजकल नहीं करते, लेकिन टारगेट वाइज रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरा लिखा हुआ रहता था, मेरे को अच्छा एग्रोनॉमी करना है 10 दिन में, तो 10 दिन में मेरे को कैसे भी एग्रोनॉमी खत्म करना है। हाँ दुख हुआ था, लेकिन गलती मेरी थी, मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन में चला जाता था। मैं क्या करता था, टेलीग्राम में जाके बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करता था। टेलीग्राम में हमारा काम क्या, क्विजेस लगा के निकल जाना, लेकिन वहां हम, मैं क्या करता था, बातचीत में लग जाना, क्विज बनाना, ग्रुप में ये करना वो करना, उस चक्कर में मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया था। हाँ, फिर जो सेकेंड अटेम्प्ट आया, उस टाइम तो मैंने एलाइट पे फोकस किया, लेकिन मेरे पास अच्छे कुछ मटेरियल्स या नोट्स नहीं थे, क्योंकि मेरे को, मैं सिर्फ बुक पे ही फॉलो करता था। लेकिन आजकल का जो कंपटीशन है ना, वहाँ आपको कोई एक मटेरियल की जरूरत पड़ता ही, आपको जो शॉर्ट एंड नीट हो जाता है। शॉर्ट जैसे एंड आप लोग अपना नोट्स, आप लोग जैसे अपना एक नोट है पेडो नोट्स, जो मैंने सैंपल देखा, आपके जैसे नोट्स है वो बहुत शॉर्ट एंड नीट है, वैसे आपको एक नोट्स का जरूरत पड़ता है, क्योंकि आपको टाइम भी बचाना पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं नितेश महतो, और नितेश ने एक साथ 3 एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। तो इनकी जर्नी काफ़ी लंबी रही है, थर्ड अटैम्प्ट था इनका AFO में। तो काफ़ी लोग कमेंट में कह रहे थे कि भैया उनको बुलाइए जो सेकेंड थर्ड अटैम्प्ट में क्लियर किए हैं। तो नितेश एक राइट पर्सन है जो आपको गाइड करेंगे कि क्या क्या फेलियर रहे हैं, क्या क्या गलती है उन्होंने सीखा है। और फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी नहीं है इनकी, और सब कुछ इन्होंने एक सिंगल फ़ोन से जो भी पढ़ा है घर से पढ़ा है। और आप समझ सकते हैं घर की कंडीशन, घर पे रहके कोई पढ़ाई होता भी नहीं है ऐसा। हाँ, कोई भी हो, कितना भी अच्छा घर बन हो जाए, रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर, पड़ोसी, आस पड़ोस के लोग रहते ही हैं जो डिस्टर्ब करते ही हैं। तो काफ़ी उस चीज़ को फेस करते हुए नितेश ने अपनी इस एग्ज़ाम को क्रैक किया, और 3 एग्ज़ाम अभी इनके पास, 3 पोस्ट लगातार हैं, और इनके पास चॉइस है किस में जाएंगे। तो बहुत बहुत बधाई नितेश आपको, और वेलकम करेंगे आपका, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बताइए। आपने UG कहाँ से किया है, और आपके जो मेंस में कितने स्कोर थे और प्री में कितने स्कोर थे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम नितेश महातो है, मैंने अपना बैचलर ऑफ साइंस डिग्री एग्रीकल्चर में किया है, दून ग्रुप ऑफ कॉलेज से, जो एक प्राइवेट कॉलेज था, आईसर के अंडर में भी नहीं था वो, ठीक है। और उसके बाद मैंने जब प्रिपरेशन अपना खत्म किया, तो उस टाइम तो तब सब JRF की तैयारी करता था, मैं भी JRF के लिए बहुत प्रिपरेशन किया था, बट मैं, हम लोग JRF के लिए एलिजिबल नहीं थे उस टाइम पे, नॉन आईसीआर लोग को JRF में नहीं दिया गया था, तो उसी वजह से मेरे को प्रिपरेशन में आना पड़ा था। और ऑब्वियसली फैमिली की कंडीशन भी उस टाइम ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो मेरे को ये प्रिपरेशन में आना पड़ा था। जो भी हो, 3 साल लगे मेरे को, लेकिन आज जाके मैंने IBPS AFO, IBPS BA और IBPS क्लर्क, तीनों में सिलेक्शन ले लिया इस पर। ओके, ग्रेट नितेश। तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि आपकी स्टडी के बारे में, ठीक है? तो प्री तो जाहिर सी बात है आपने सेल्फ स्टडी से पढ़ा हुआ है, और प्री काफ़ी अच्छा रहा होगा इसीलिए आपने PO वगैरह भी क्रैक किया है। तो प्री के बारे में थोड़ा सा बताइए, और कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो क्लियर हो गया था प्री, कि इस साल ही प्री हुआ है, इस साल ही मेंस दिया है आपने? मैंने जब फर्स्ट 2021 से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो टू बी ऑनेस्ट मैं सिर्फ एग्रीकल्चर का करता था, लेकिन 2 महीने में मैं समझ गया था सिर्फ AFO का करने से फायदा नहीं है, मैं जनरल बैंकिंग भी मेरे को करना पड़ेगा। अच्छा तो सबका सबका जो पहला प्री निकलता है वो शायद AFO का ही प्री होता है, लेकिन मेरा जो पहला प्री निकला था, मेरे मतलब ये गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में, मेरा IBPS क्लर्क का प्री निकला था, उसके बाद मेरा AFO का प्री निकला था। अच्छा अच्छा और ये लेके मेरा AFO में मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था, एज वेल एज मैं 3 बार इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ, मैंने क्या तीनों बार बात है, प्री मेंस क्वालिफाई हुए हैं। क्या लास्ट बात ईयर है। मेरा जस्ट 0.5 से AFO रुक गया था, इस बार मेरा हो गया, और इस बार मेरे AFO प्री में 63.63 मार्क्स थे, और मेंस पे मेरे थे अच्छा 38.75, और इंटरव्यू में मेरे को मिले आई थिंक 16.5 समथिंग, और मेरे ओवरऑल जो मेरिट था मेरा बना था 67.67। नहीं, ये काफ़ी ग्रेट, अच्छे मार्क्स हैं। 38 आपने मेंस में बताया ना, थर्टी एट तो पॉइंट सेवन फाइव 75, ठीक है। तो हम प्री से ही शुरुआत करेंगे, ठीक है? तो प्री, जैसा आपने बताया कि तीनों में आपने, तीनों साल आपने प्री निकाले, और आपने क्लर्क PO दोनों के प्री निकाले हैं, तो काफ़ी अच्छा कमांड रहा होगा। पढ़ाई कैसे किया आपने थोड़ा सा बताइए, और सब्जेक्ट कैसे स्ट्रांग किया आपने, इंग्लिश आपने कैसे पढ़ा, जो कि सबसे सबसे बड़ा डर रहता है स्टूडेंट का?
ऑब्वियसली इंग्लिश में सबसे ज्यादा जो एफओ वाले होते हैं वो रुक जाते हैं। इंग्लिश में मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। मैं ग्रामेटिकल मेरे को ज्यादा नॉलेज था नहीं, बस मैंने अपना रीडिंग स्किल पे बहुत ज्यादा काम किया। रीडिंग करता था मैं, और अंडरस्टैंडिंग जो स्किल है मेरा उस पर मैंने काम किया। अंडरस्टैंडिंग मतलब कैसे हम पढ़ के समझ पाते हैं, जिसका एक बार अंडरस्टैंडिंग स्किल डेवलप हो जाता है ना, उसको फिर दिक्कत नहीं होता फिर इंग्लिश में। वो मैं मेरे को 6-7 महीने का रीडिंग करने पड़ी थी 1 घंटे करके, जिससे मेरा अच्छा इंग्लिश बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। इसी वजह से मेरे आईबीपीएस क्लर्क मेंस में मेरे 21 मार्क्स थे इंग्लिश में, जो सबसे हाईएस्ट थे मेरे, और अच्छा आईबीपीएस पीओ मेंस में मेरे 20 मार्क्स थे। मेरे इंग्लिश में सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे। क्या बात है यार। मैं इंग्लिश का ही जानना चाहूँगा ब्रदर, क्योंकि इंग्लिश में आपने अच्छे स्कोर किए हैं, और आप मुझे नहीं लगता कि आप इंग्लिश के 12वीं में आपका इंग्लिश बोर्ड रहा होगा। कौन से बोर्ड से आप थे? नहीं, मैंने बंगाली बोर्ड से था मैं। फिर बंगाली बोर्ड होता है हमारे यहाँ का लोग। तो कैसे किया आपने तैयारी, बताइए। आरसी वगैरह कैसे, वो लोग बड़े बड़े आरसी देख के डर जाते हैं। इधर ग्रामर नहीं हो पाता है, क्योंकि ग्रामर एक बार छूट गया बचपन में तो दोबारा से नहीं हो पाता तैयार। तो कैसे आपने किया उसको? मेन है तो इंग्लिश में वो अंडरस्टैंडिंग स्किल तो मैंने बता ही दिया था, प्लस प्रैक्टिस। आप अगर मॉक्स जितने लगाओगे आपका कॉन्फिडेंस उतना बिल्ड होगा। आप उस क्वेश्चन से आप मतलब रूबरू हो जाते हैं बहुत बार अगर आप मॉक्स वगैरह देते हैं। मैंने अपने इस 3 साल में बहुत सारे मॉक्स दे दिए। आप जितने मॉक्स अच्छा दोगे उतने आपका वो होगा। और ग्रामर के जो बात है, आप कोई भी क्लासेस, जैसे मैं निमिषा मैम का क्लासेस मैंने फॉलो किया था उस टाइम पे, तो निमिषा अच्छा मैम के आप ग्रामर क्लासेस कुछ फॉलो कर देते, हाँ, मेरा ग्रामर यूट्यूब में से। 100% एक्यूरेसी था भी नहीं। हाँ, मैं पूरा अपना जो प्रिपरेशन है मैं यूट्यूब से किया, मैंने आज तक कोई कोचिंग लिया नहीं अभी तक। तो क्वांट और में जो आपका DI है, कितना इम्पोर्टेंस है, और रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहेंगे? क्वांट में मैं सबसे पहले बताता हूँ, जो एफओ के जो हमारे स्टूडेंट होते हैं ना, मैं हाँ खुद दे चुका हूँ, मैं जानता हूँ, वो एरिथमेटिक से बहुत ज्यादा डरते हैं। बिल्कुल और जो एरिथमेटिक्स, अगर जिसका एरिथमेटिक वीक हो ना, उसके क्वांट्स में नंबर लाने बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डीआई में भी आपका एरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट ही लगता है, हाँ यस चतुर्थांश होता है जहाँ परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आता है, रेशियो का कॉन्सेप्ट आता है। तो वहाँ हमको क्या करना है, हमको पहले जो अपने सबसे कमजोर कड़ी होती है ना, हमको उस पर काम करना पड़ता है, उससे भागना नहीं पड़ता। तो जो हम अगर अपने क्वांट के जो एरिथमेटिक पोर्शन को अगर स्ट्रॉन्ग कर लिए ना, तो बाकी पोर्शन हमारे लिए कुछ भी नहीं रहता। मैंने फिर वही किया था, मैंने अपना एरिथमेटिक को स्ट्रॉन्ग कर लिया था, उस वजह से मेरे को फिर दिक्कत नहीं आता था, डीआई वगैरह मेरे हो जाते थे। और दूसरी बात, हम जो एफओ को स्टूडेंट होते हैं ना, हमें सब पीओ क्लर्क सब एग्जाम में हमको बैठना चाहिए, क्योंकि एग्जाम जितने देंगे ना और मॉक जितने हम लगाएंगे, उतना हमारा स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस तीनों बढ़ता है। ये बहुत आजकल के युग में बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ एक एग्जाम के भरोसे बैठे रहना बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है आज। तो सिर्फ हम जाएंगे सिर्फ एफओ देने, कहीं वहां पर गड़बड़ हो गया हमारा, इसीलिए पीओ वगैरह सब देना पड़ता है, क्योंकि वो जो हॉल प्रेशर होता है ना, वो उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ता है। बिल्कुल। और रीजनिंग के लिए? रीजनिंग के लिए मैंने यूट्यूब पे जो अंकुश लांबा सर थे उनको मैंने फॉलो किया था, उनसे मैंने उनका मैंने जो पजल का क्लासेस है वो लगाए थे। और मैंने सिर्फ और उसके बाद मैंने जब मेरा सिलेबस एक बार हो गया था, मैं मॉक पे शिफ्ट कर गया था, अच्छा सिर्फ मॉक लगाता था और मेंस का क्लास करता था। मेंस लेवल का जो जनरल बैंकिंग का होता है, सिर्फ मेंस के ही मैं क्लास करता था। आशीष बिल्कुल अरोड़ा सर से, अंकुश लांबा सर से क्लास किया था मैंने क्वांट और रीजनिंग का, मेंस का, और बाकी मैं मॉक लगाता था। और इंग्लिश में मैंने कुछ किया नहीं, इंग्लिश में सिर्फ मैंने रीडिंग, जिसका रीडिंग होता है ना उसका आरसी भी फिर हो जाता है, क्योंकि आरसी को हमको स्किम करना होता है रीडिंग करके। जिसको एक बार आरसी पढ़ के स्किम करना आ गया था, उसका आरसी कभी नहीं कोई दिक्कत होगा, क्योंकि मेंस में बहुत बड़े बड़े आरसी आते थे हमारे पीओ क्लर्क में से। बिल्कुल बिल्कुल। वही नहीं, सही है। मैं भी जो वीकली सेशन ले रहा हूँ अभी, तो उसमें बताता हूँ कि भैया प्री मेंस प्री के लिए सबसे बेस्ट जो टीचर हैं अभी यूट्यूब पे, वही है निमिषा बंसल मैम, राशि सरोरा, अंकुश लांबा सर। उनके फ्री के क्लासेस बहुत सारे हैं, आप इजीली फाउंडेशन बिल्ड करके और अच्छा सा मार्क लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अच्छे से क्वालिफाई भी कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। ठीक है, ये तो बात अगर हो कोई गई। शिद्दत से चाहे तो हाँ हाँ बताओ। अगर कोई शिद्दत से चाहे तो यूट्यूब से पढ़ के भी सिलेक्शन ले लेगा वो पीओ का, अरे क्लर्क का, अगर वो शिद्दत से फॉलो करे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट भी हैं, सही कह रहे हैं आप। तो वहाँ से आप ये कर सकते हैं, प्री का हमने बात कर लिया। अब मेंस की बात करते हैं। नितेश ने 3 साल लगातार मेंस भी दिया है, इंटरव्यू देकर आए हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, इनके सब्जेक्ट के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट जो आपने दिया था मेंस का, तो उसके लिए बेसिक कहाँ से क्लियर किया आपने, टॉपिक कैसे डिसाइड किए?
फर्स्ट अटेम्प्ट, मैं टू बी ऑनेस्ट अगर बात करूँ, मैं सिर्फ सुंदा और कात्यायन पर ही मैं गया था। और मैंने एक जगह से मैंने थोड़ा सा थोड़ा बहुत कुछ मटेरियल मैंने लिया था, लेकिन कोई मतलब वो नहीं था। मैं एलाइट ठीक से पढ़ के ही नहीं गया था, अच्छा, तो एलाइड इसीलिए में। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा, हाँ, मेरा उतना स्ट्रॉन्ग था नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मेरा लीड भी नहीं था, तो मेरा 5 मार्क्स से मेरा शायद रुक गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, फाइनल मेरिट से। बस हाँ, फिर जो सेकेंड अटेम्प्ट आया उस टाइम तो मैंने एलाइट पे फोकस किया, लेकिन मेरे पास अच्छे कुछ मटेरियल्स या नोट्स नहीं थे, क्योंकि मेरे को, मैं सिर्फ बुक पे फॉलो करता था। लेकिन आजकल का जो कंपटीशन है ना, वहाँ आपको कोई एक मटेरियल का जरूरत पड़ता ही, आपको जो शॉर्ट एंड नीट हो जाता है। शॉर्ट जैसे एंड नीट। आप लोग अपना नोट्स, आप लोग जैसे अपना एक नोट है पेडो नोट्स, जो हाँ मैंने सैंपल देखा आपके जैसे नोट्स है वो बहुत शॉर्ट एंड नीट है, वैसे आपको एक नोट्स का जरूरत पड़ता है, क्योंकि आपको टाइम भी बचाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल वैसे मैंने इस बार सेकेंड अटेम्प्ट में थोड़ा बहुत किया, मतलब मैं बुक्स पे ही था, लेकिन ज्यादा मैंने मटेरियल को फॉलो नहीं किया था, इसीलिए मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में भी ज्यादा लीड बना नहीं, तो मेरा 0.5 से रुक गया था सेकेंड ओहो अटेम्प्ट में, A4 फाइनल मेरिट से। और मेरा पीओ भी 1 मार्क से रुक गया था सेकेंड अटेम्प्ट में, और एफसीआई में मेरा वेटिंग लिस्ट में चला गया था मेरा। ओ भाई और मैंने SSC CGL का भी मेंस दिया था, लेकिन मेरा AFO के इंटरव्यू के चक्कर में मेरा CGL में मेरे 15 मार्क्स की लीड था, मेरा सिलेक्शन हो जाता, लेकिन टाइपिंग में मेरा रुक जाता। नहीं यार, मेहनत आपकी दिख तो रही है, मेहनत दिख रही है आपकी। जो आपने बताया कि लीड्स मार्क्स और मेंस में आपने रह गए और चीज़ें कोलैप्स हो गई, इसकी वजह से रह गया। समझ सकते हैं, दुख तो हुआ सिविली होगा। एक बात है, हाँ दुख हुआ था, लेकिन गलती मेरी थी। मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन में चला जाता था। मैं क्या करता था, टेलीग्राम में जाके बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करता था। टेलीग्राम में हमारा काम क्या, क्विजेस लगा के निकल जाना, लेकिन वहां हम, मैं क्या करता था, बातचीत में लग जाना, क्विज बनाना, ग्रुप में ये करना वो करना, उस चक्कर में मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया था। जो 2023 में मैं सिर्फ टेलीग्राम में जाता था, क्विज वुइज लगाता था जो इंपॉर्टेंट है, निकल जाता था। और मैंने 2023 में मैंने खुद के नोट्स बना दिए, और एलाइट को मैंने 2 महीने में सिर्फ एलआईडी पढ़ता रहा। और जो मेरा फाइनल, जो मेरा टाइम आ गया था, क्योंकि अक्टूबर के बाद से मैं प्री बंद कर चुका था, अक्टूबर के अच्छा। पहले मेरा 2-3 बार रिवीजन हो चुका था सिलेबस का, लेकिन अक्टूबर के बाद से जब मैंने प्री पढ़ना बंद कर दिया था, सब प्री पढ़ रहे थे उस टाइम पर, मैं मेंस पढ़ रहा था पीओ मेंस के बाद, ठीक है, क्योंकि मेरे को प्री का टेंशन था नहीं। सही भाई। तो अक्टूबर के बाद से मैंने फिर 5 बार रिविजन कर दिया, तो मैंने लगभग 6-7 रिविजन दे दिया था सिलेबस को। तो आप अक्टूबर के जितने बाद तो सिलेबस को बहुत, रिविजन, अक्टूबर के बाद तो हमारे पास नवंबर दिसंबर ही बचता है, सॉरी जनवरी रहा। 3 महीने में आपने 5 बार रिवीजन कर दी सारे सब्जेक्ट की। हाँ, मैं सारा दिन एग्रीकल्चर पढ़ता था अक्टूबर का, क्योंकि मेरे जनरल बैंकिंग के एग्जाम खत्म हो गए थे, सिर्फ एसबीआई क्लर्क बचा था। एसबीआई क्लर्क का अच्छा भी मेंस का रिजल्ट बाकी है मेरा, अभी अच्छा मेंस अच्छा दिया मैंने इस बार, इंटरव्यू दिए। तो वही बचा अच्छा, था। मेंस का इस बाकी है। क्लर्क का इंटरव्यू नहीं होता, वो प्री मेंस ही होता है। प्री में क्वालिफाई कर दिया था, मेरे 81 मार्क्स थे प्री में, एसबीआई क्लर्क के प्री में। यार, आपके प्री तो काफ़ी स्ट्रांग है, तो मैं कहूँगा कि हमारे भी बच्चों के लिए यूट्यूब पे आइए, कुछ प्री की क्लासेस लीजिए एग्रो एकेडमी पे। नहीं, जरूर 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 जरूर, अगर मेरे को अगर हेल्प करने के मिले किसी को, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो। तो यही बात था, तो मैं वही उस टाइम पे मैं सिर्फ मेंस कर रहा था, क्योंकि वहां मैं स्ट्रेटेजिकली, अगर आपका प्री स्ट्रांग हो गया ना, तो आप जिस टाइम पे सब मेंस छोड़ चुके थे, सब प्री के लिए गए थे, तो उस टाइम पर मैं सिर्फ मेंस ही पढ़ रहा था, तो उस वजह से मेरे को एक एडवांटेज मिल गया था वहाँ। तो मैंने इतना रिविजन कर लिया था जो मेरे को फिर डर नहीं था। तो इस बार मेरे को, इसलिए मेरे ऑलमोस्ट 39 मार्क्स चले आए थे, 38.75 मार्क्स, तो समझ लीड सकते मेरे हैं। बहुत अच्छी खासी हो गई थी, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। और पीओ में भी मेरे लीड सब 8 मार्क्स की थी, क्योंकि अच्छा, तो ये 5 रिवीजन की मैं दोनों कहानी। को बैलेंस कर रहा हूँ। 5 रिवीजन की कहानी सुनना चाहेंगे आपसे, कि टॉपिक आपने कैसे डिसाइड किए। मान लो आपने 2 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आपको पता होगा कि भैया कौन सा टॉपिक मेजर है, कौन सा माइनर है, कौन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो सब्जेक्ट वाइज बढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा बताइए कि एग्रोनॉमी में कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा ज़्यादा टॉपिक कवर करें, सॉइल साइंस में, एनिमल में और हॉर्टिकल्चर में। एग्रोनॉमी का जो मैं बताता हूँ, एग्रोनॉमी हम लोग का जो जो क्रॉपिंग सिस्टम है, क्रॉपिंग पैटर्न है, जो बेसिक एग्रोनॉमी है, जो हमें ज्यादा डीप जाना नहीं पड़ता, हमें सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है, कैसे क्रॉपिंग पैटर्न है, क्या इस क्रॉपिंग किसको कहते हैं, ऐसे किसको कहते हैं, क्योंकि IBPS जो कोर सब्जेक्ट होता है ना, उनसे वन लाइनर नहीं पूछता, उनसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, कॉन्सेप्चुअल जैसे क्वेश्चन। एग्रोनॉमी सॉइल साइंस है, तो हाँ, हमें मेन काम करना पड़ता है कॉन्सेप्ट पे। और बिल्कुल। एग्रोनॉमी में मैं
अरुण का तेन जो बुक है, अरुण का तेन का बुक, और मैंने निमरा सुंदा और आर के शर्मा, तीनों बुक मैंने पढ़ डाले थे, अच्छा और अच्छा 2022 में मैंने नागरे भी पढ़ डाला था। तो ये मैंने मेरा मेरा कोर पहले से स्ट्रांग था। 2022 में मैं सिर्फ कोर ही पढ़ता रहा, मैं एलाइट पे जोर ही नहीं देता, लेकिन 2023 में मैंने सिर्फ एलाइट पे ही जोर दिया था। तो मेरा कोर स्ट्रांग था, बस मेरा काम था रिविजन करना, और मैं रिविजन ऐसे करता था। लोग लोग टारगेट वाइज आजकल नहीं करते, लेकिन टारगेट वाइज रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरा लिखा हुआ रहता था, मेरे को अच्छा एग्रोनॉमी करना है 10 दिन में, तो 10 दिन में मेरे को कैसे भी एग्रोनॉमी खत्म करना है, और एग्रोनॉमी के साथ मैं एक छोटा सब्जेक्ट ले लेता था, सेरिकल्चर एपिकल्चर, मेरे वो छोटे एक बार बैठता था तो मेरे हो जाता था। ऐसे करके अगर हम रिविजन करें तो हमारा एक मंथ में मेरा हमारा फर्स्ट रिविजन हो जाएगा। उसके बाद तो मैं जो स्पीड में पहला रिविजन करता था उससे डबल स्पीड में दूसरा रिविजन करता था। तो ये से मेरा बहुत ज्यादा रिविजन। और भी सब्जेक्ट का बताइए, सोइल साइंस में कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग करें आपके नजरिए से? सॉइल साइंस में सबसे जो टफ चैप्टर मेरे को लगता था वो था न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, सॉइल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। वहाँ बहुत सारे न्यूट्रिएंट के जो सिम्टम्स होते हैं ना, डिफिशियंसी सिम्टम, ये सबसे ज्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ता है बच्चों को। बाकी जो सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल टेक्सचर, ये सब जो सॉइल के जो बेसिक्स, रॉक्स एंड मिनरल्स होते हैं, ये सब अगर आप ठीक से अगर पढ़ लोगे, 3 4 बार भी पढ़ लोगे ना, आपका आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता। वो आप बिल्कुल कहीं से भी पढ़ सकते हो, जो कोर सब्जेक्ट का कोई वो बैरियर नहीं होता, आपको जहां से सही लगे आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, जो आप पढ़ो एक बार, बच्चे क्या करते एक बार पढ़ लेते सोचते हो जाएगा, नहीं होता, 2 3 4 बार से कम पढ़ना पड़ेगा आपको। और सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी ये आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से घुमा के क्वेश्चन देता है एफओ। एफओ कभी डायरेक्ट क्वेश्चन दिया नहीं है, ऐसे क्वेश्चन देता है, आपको चारों ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपका अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं रहा तो आप फंस जाओगे वहीं पर। जैसे मेरा पिछले साल में मैंने बहुत सारा गलती किया था इस चक्कर में, तो इसी अच्छा वजह से मेन आपको सॉइल का जो सैलाइन सॉइल, एल्कालाइन सॉइल, जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल, सॉइल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये दो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद आते हैं आपके सॉइल्स ऑफ इंडिया, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे एलुवियल सॉइल, लैटराइट सॉइल, ये। और सॉइल का जो क्लासेस है, अवागामी हाउस जिसको बोलते हैं, हाँ एल्फी सॉइल, इंसेप्टी सॉइल, ये सब ये इंपॉर्टेंट है। और रॉक्स एंड मिनरल इंपॉर्टेंट है, टेक्सचर स्ट्रक्चर लगभग सभी इंपॉर्टेंट है, किसी को भी कम छोड़ना नहीं है। बस बिल्कुल कहाँ से क्वेश्चन दे देगा वो, आईबीपीएस बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होता है। और और बाकी जो हॉर्टिकल्स? फिशरी फॉरेस्टी एलाइट, हाँ, बताओ। हॉर्टिकल्चर में मैं ज्यादा डीप गया नहीं था, मैंने हमारा सुंदर से मैं ज्यादा तौर कर लिया था, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था मैं कत्यान से भी, जो ट्रेनिंग प्रूनिंग का अच्छा जो मेथड है वो कत्यान से मैंने किया था। अच्छा और उसके बाद मैं ज्यादा फिर गया नहीं। फिर मैंने कुछ नोट्स अपने बनाए थे, हैंड रिटन नोट्स, उसको मैंने पढ़ लिया था, जो फ्लोरिकल्चर वगैरह का पोस्ट हार्वेस्ट के लिए मैं अपना खुद का ही नोट्स बना चुका था, उसको मैंने पढ़ लिया। बस अच्छा मेरा इसी से हॉर्टिकल्चर हो गया, ओके ओके क्योंकि ओके हॉर्टिकल्चर से ज्यादा डीप क्वेश्चन आया नहीं है, हाँ, बेसिक्स ज्यादातर क्वेश्चन ही आते हैं। वेराइटीज पूछते हैं, वेराइटीज और हाँ, इसी। वेराइटीज बहुत ही ज्यादा बेसिक आता है, अच्छा, बहुत बेसिक और वेराइटी पूछते हैं। सिस्टम्स जो आपने बताया, ट्रेनिंग प्रोनिंग के सिस्टम्स हाँ हाँ वगैरह हाँ से, या वही, टर्म टर्म से वो सब थोड़ा क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, हाँ। कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो, और क्रॉप्स और वगैरह पढ़ने से हो जाएगा। ओके 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 एलाइड में बताइए कुछ। एलाइड में मैंने इस साल मैंने पूरा एलाइड पे ही फोकस किया था, लगभग अच्छा मैंने 2 महीने एलाइड ही पढ़ा। एलाइड को मेरे सबसे ज्यादा इस बार एलाइड स्ट्रॉन्ग कर लिया था, मैंने जो वीक पॉइंट था हम मैंने उसी को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया। मैंने फिशरी को कम से कम 4 5 बार पढ़ लिया था, अच्छा और हाँ फिर एनिमल हस्बेंड्री को तो कम से कम 6 7 बार मैंने पढ़ा है, और जो फॉरेस्टी है उसको भी मैंने अच्छे से कर लिया था, क्योंकि पता था मेरे को इस जगह से क्वेश्चन आएगा ही। जो इस जगह से क्वेश्चन गेम चेंजर होता है, एलाइड गेम चेंजर होता है आपका। अगर एलाइड अगर स्ट्रांग हुआ ना आपका, मतलब कॉम्पिटिशन से आप बहुत आगे हो जाते हैं, क्योंकि एग्रोनॉमी से सब कोई लगभग सही कर ही बना देता है, लेते हैं। लेकिन बच्चे हाँ। हाँ लेकिन बच्चे एलाइड में फंस जाते हैं। एलाइड में क्योंकि एलाइड में आपका अभी आईबीपीएस एलाइड को ही फोकस करता है, एलाइड को, और प्लस आपको जो स्कीम वगैरह होते हैं ना, हाँ, प्रायोरिटी वहां सेक्टर पे। हुँ। लैंडिंग, जो स्टैटिक करंट अफेयर्स, उस पे फोकस करता है। अगर ये किसी का स्ट्रांग नहीं हुआ तो वो कंपटीशन से थोड़ा सा मतलब वो पीछे रह जाएगा कंपटीशन में। इसलिए मैंने एलाइट को बस शेड्यूल बना के टारगेट वाइज मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे मेरे को फिशरी, पहला रिविजन मेरा फिशरी हुआ था 8 दिन में, मेरा दूसरा जो रिविजन किया था वो मेरा 6 दिन में हुआ था, तीसरा रिविजन मैंने 3 दिन में ही कर दिया था, जो लास्ट रिविजन मैंने फिशरी का किया था एग्जाम का पहले, वो मेरे 1.5 दिन में हो गया। क्या बात। और ऐसे एलाइड करके का, मैंने करा था।
एलाइड का कमजोर होने का ये भी कारण है कि मार्केट में जो देखेंगे उतने अच्छे नोट्स भी नहीं है, उतने खासे लोग मटेरियल भी नहीं मिल पाता है लोगों को, इसीलिए लोग अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते। और इसकी जो बुकें हैं वो बहुत मोटी खासी हैं, और पूछता है AFM बहुत ही कंसाइज, बहुत ही छोटे क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक पार्ट से। तो ट्राई कर रहे हैं हम लोग कि जो एलाइड के नोट्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन लेकर आएँ और जो बच्चों को प्रोवाइड करें सस्ते में। तो आगे बढ़ेंगे। एलाइड का आपने बता दिया और आपने मेजर का बता दिया, और इंटरव्यू तो आप बता रहे हैं 3 बार देख रहे हैं, इंटरव्यू में दिक्कत ही नहीं आई होगी। टोटल टोटल मेरा ये गवर्नमेंट जॉब का 5वां इंटरव्यू था, पांचवा इंटरव्यू। आईबीपीएस AFO लास्ट। मुझे हाँ लगता है मैंने यही इस साल यही 5 टोटल। यही यही मोटिवेशन रहा होगा आपको तैयारी करने में, क्योंकि आप इंटरव्यू देकर आते हैं, कोई बंदा तो अच्छा फील करता है यार, इंटरव्यू देकर आए हैं, एक चांस और ले लेते हैं। ये पूछना हाँ चाहेंगे कि जिनका नहीं होता है, आप कुछ उनके लिए कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि इंटरव्यू का तो सब कर लेते हैं, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा, जिनका नहीं हुआ है और उनके पास ऑप्शन नहीं है कि क्या करें। जिनका नहीं हुआ, मैं उनको अपना स्ट्रगल बताता हूँ, मैंने क्या स्ट्रगल देखा तो वो बताता हूँ, अगर उनसे उनको कोई मोटिवेशन मिले। तो लगभग 2022 में जब मेरा AFO नहीं हुआ था, 0.5 से नहीं हुआ था, उस दिन मैं पूरा टूट चुका था, पूरा पूरी मैं टूट चुका था। क्योंकि अच्छा। एक कंडीशन आता ना, हमारा जो फैमिली का जो फाइनेंशियल हालत था ना, वो ज़्यादा हाँ अच्छा ही नहीं था। इस अच्छा। हालत में अगर किसी बच्चे का अगर एग्जाम मार्जिनली रुक जाता है तो उसको कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है, क्योंकि यहाँ फैमिली स्ट्रगल कर रही है, वहाँ हम कुछ कर नहीं पा रहे। मैं एकदम होपलेस हो चुका था, मतलब 15 दिन तक तो मैं डिप्रेशन में ही चला गया था, ऐसा हालत था। उस हालत से फिर मैं खुद को धीरे धीरे उठाया, खुद को धीरे धीरे उठा के मेरे को लगा नहीं, हम हार मानने से मैं बहुत आगे तक आ चुका हूँ, अब हार नहीं मानना। कोई तो बैक में था वहां से आपके, आके बैक में कोई था आपको रेस करे कि यार दोबारा ट्राई कर लो, या फिर आपके सांत्वना देने के लिए आपके पास कोई आया कि यार एक बार और देख लो, फैमिली मेंबर या फिर कोई दोस्त वगैरह? नहीं, मेरे बैक में लोग थे, ऐसा नहीं था कुछ, सभी ने मेरे को बोला करो, हम मेरे पापा ने खुद मेरे को बोला था, जो मैं हूँ क्यों टेंशन ले, तो मैं अभी तक जिंदा हूँ, तब यही जो बात होता है, ऐसे बोला तो मेरे को बोला गया था। बहुत उस समय बहुत बुरा लगा था, क्योंकि हम एक लड़के होके, हमारा देखो एक लड़की का सब जिम्मेदारी एक लड़के के ऊपर ही जाता है, फैमिली का जिम्मेदारी लेना हम ही को होता है। अगर हम कुछ कर नहीं पाए, उस टाइम मेरा अभी मेरा 25 है, उस टाइम मेरा 24 था एज, तो उस एक एज में आ चुका था मैं, तो उस वजह से तो हुआ। तो लेकिन मैंने खुद को उठाया वहां से, वहां से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। मेरे जो पढ़ाई का जो खर्च होता था वो उठाने के लिए मेरे को ट्यूशन पढ़ाना पड़ा था, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, तो मेरे को मिलते थे 800 रुपये। महीने उस के? 800 रुपये में मैं जेरोक्स कर, हाँ महीने के, अच्छा। उस 800 रुपये में जेरोक्स कराता था, मेरे को मेरा जो खर्च था वो निकालता था। और उस 800 रुपये से मैंने कुछ कुछ फॉर्म भी मैंने भरे थे, जो जनरल बैंकिंग के पापा देते थे, अच्छा। लेकिन मैंने भी कुछ खुद के पैसे से भरे थे। बुरा लगता है तो जब वो आप इस दिन एज में आ देख जाते के, हैं, मांगने में बुरा लगता है जब उस एज में हो जाते हैं आप। पिछले साल मेरे मतलब लगभग मेरे 50% दोस्त का हो गया था, वो लोग जॉब कर रहे थे, सैलरी ले रहे थे, मैं यहाँ 800 रुपये में पढ़ा रहा था, फिर पढ़ रहा था। बहुत ही ज्यादा बुरा लगता था उस टाइम पर, लगता था मतलब क्या ही बोल रहा है, इतना बुरा लगता था, लगता था सब कुछ छोड़ छाड़ दे, कुछ क्या नहीं हो रहा है, इतना इंटरव्यू, इतना बार इंटरव्यू दे रहे हैं। FCI में होप लगा था, FCI में वेटिंग लिस्ट में चला गया मेरा, बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगता था। तो लेकिन मैंने एक बात था, नहीं तो यहाँ से आइदर मैं कुछ बड़ा फोड़ूंगा, नहीं तो कुछ होगा नहीं, ऐसा मेरा थिंकिंग हो आ गया था। तो मैंने लगा इस बार आर या पार की लड़ाई होगी, तो मैंने इस बार लगभग दिन में 10 घंटा का पढ़ाई स्टार्ट कर दिया था। मैंने ट्यूशन ओ भाई। पढ़ाता था और 10 घंटा में, क्योंकि मेरे को जनरल बैंकिंग भी करना होता था ना, 8-10 घंटा मेरे लग ही जाते थे, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर के साथ जनरल बैंकिंग, लोग बोलते थे मेरे को एग्रीकल्चर के साथ कभी PO नहीं होता, कभी ये नहीं होता, लेकिन हो जाता है अगर आप चाहो, सब कुछ होता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो मैं लग गया था प्रिपरेशन में, तो धीरे 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 चीजें सही होने लगी, पढ़ाई होने लगा, मेरा एग्जाम, मेरे प्री तो लगभग सारे प्री निकल गए थे इस साल, तो जनरल बैंकिंग का भी सारे प्री लगभग निकल गए थे। मैं प्री में मेरे को पढ़ना भी नहीं होता था एक्स्ट्रा, मैं ऐसे जाता था मेरा प्री निकल जाता था, इतना स्ट्रांग हो गया था मेरा मैथ रीजनिंग। अच्छा। DI तो इस बार जो AFO का DI है, मैंने वर्बली सॉल्व कर दिया था, एक DI को मेरे को छूना नहीं पड़ा था फिर, तो क्या बात। ऐसा हालत हो चुका था। तो करते करते हो गया, प्री निकला, मेंस निकला, फिर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुआ, फिर इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स मिले, PO में मेरे को 17 मार्क्स मिले थे 20 में,
और ए फोर में मेरे को 16.5 मिले, तो फाइनल मेरिट में दोनों मेरा निकल गया था। तो वही बात होता है, आप सब फेलियर से कभी मत भागो, फेलियर फेलियर आपको सिखाता है। फेलियर अगर नहीं आएगा तो सक्सेस का वैल्यू आपको पता नहीं चलेगा। अगर आज दिन बुरा होता है तो कल दिन अच्छा होगा। और ये भी बात है, भगवान यही होता है, भगवान कुछ अच्छा जब आपको देते हैं ना, उससे पहले बहुत ज्यादा बुरा दिन आपको दिखा देते हैं, क्योंकि आपको अच्छे दिन के जो वैल्यू होता है वो पता चलता है। तो आपका अगर सक्सेस स्लो भी आए, किसी का मेरे जैसे थर्ड अटेम्प्ट है, फोर्थ अटेम्प्ट है, फिफ्थ अटेम्प्ट भी होगा बहुत का, तब यही मैं बोलूंगा, आप लोग बहुत आगे चले आ चुके हो। आप लोग का मतलब क्रॉसिंग लाइन के आप लोग बहुत करीब हो, यहाँ से पीछे मुड़ के मत देखना। यहाँ से आप लोग निकाल लोगे, आपको टाइम लगेगा लेकिन निकाल लोगे। बस ऊपर वाला का एक परीक्षा है, बस आपको टिके रहना है, आपको कभी हार नहीं माननी, क्योंकि जो हारते वही है जो हार मान जाते हैं, जो हार नहीं मानते अंत तक जीत उनकी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात, अच्छा मोटिवेशन दिया आपने नितेश। चलो अब तैयारी शुरू, अभी अप्रैल तो खत्म हो गया है लगभग, अभी मई शुरू होगा, तो इस साल शायद कैलेंडर बहुत पहले है, मेंस दिसंबर में होने वाला है आई थिंक। हाँ, मई दिसंबर में होने वाला तो है। अभी तैयारी। अभी जिनका जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है उनको तो स्टार्ट से करना पड़ता है, उनका उनका अभी तक वो स्टार्ट से कर ही चुके होंगे। जिनका सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट है उनको कुछ नहीं करना, वो सोचते हैं फिर से पढ़ना पड़ेगा, ये आपको बस रिविजन करना। रिवीजन अब बस करना, मेंस आते तक आप 6-7 बार अगर आप रिविजन कर रिवीजन कर लिए, ली आपका काम हो गया। काम हो जाता है। और मॉक्स मॉक्स लगाना है, बस रिविजन करना, मॉक्स लगाना, मॉक रिविजन लगाना। करना, मॉक्स लगाना। जो लोग ज्यादा टेलीग्राम में ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, उनको मैं एक ही बोलूंगा, टेलीग्राम में जितना आपका जरूरत है उतना आप लो। टेलीग्राम एक बिल्कुल ट्रैप टाइप का बन चुका है आजकल, वहाँ फालतू बिल्कुल, की बातें ज्यादा होता है। ज्यादा होते हैं। अगर आप उस चक्कर में पड़े आप, और दूसरा बात, अगर आपको किसी का हेल्प करना है आप हेल्प करो, कि अब ऐसे हेल्प भी मत करो जो खुद का पढ़ाई नहीं हो, नहीं दूसरों का ये करना है वो करना है। आप सबसे पहले प्रायोरिटी खुद को दो। जिस दिन आप खुद को प्रायोरिटी देना छोड़ दोगे, उस दिन आपके साथ बहुत बुरा होगा, क्योंकि लोग बुरा यहाँ पर आपका फायदा उठाने के लिए, बहुत बहुत लोग होते हैं ज्यादा। ये चक्कर में अपना बुरा कर लेते हैं। इसीलिए खुद को प्रायोरिटी दो, खुद के फैमिली को प्रायोरिटी दो। ए फोर एग्जाम बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस लोग का डायरेक्शन गलत हो जाता है। इसीलिए हमारा मेरा जैसे डिस्ट्रेक्शन डायरेक्शन गलत था, 3 अटेम्प्ट मेरे लग गए, 3 अटेम्प्ट लगते नहीं लेकिन हो जाता है कभी कभी, किस्मत साथ नहीं देती। तो बस आप बस लगे रहो, पढ़ते रहो, रिवीजन करो, बस ज्यादा कुछ वो करना नहीं है, बस पढ़ो रिवीजन करो, और प्री के लिए बस क्लासेस करो, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, मॉक्स लगाओ, बस हो जाएगा। एक चीज और पूछना चाहेंगे कि इस एग्जाम के लिए बहुत सारे लोग ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं बच्चे, जो कि फीस काफी हाई है, क्या आपको लगता है कि ऑफलाइन कोचिंग इस एग्जाम के लिए जरूरी है या नहीं? ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे मेरे को कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ा, मैं फोन से पढ़ लिया था, मेरे पास लैपटॉप था नहीं, मैं सिर्फ एक फोन था मेरा 2018 का खरीदा हुआ, उसी फोन से पढ़ के मैंने 3 एग्जाम निकाल लिए। तो वैसे ही अगर आपका खुद का, अगर इंसान चाहे इंसान कुछ भी कर सकता है, आपको बस खुद का, अगर किस कुछ 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 लोग होते हैं ऐसे जो खुद, नहीं मेरे को ये अगर नहीं मिला तो नहीं होगा, वो नहीं मिला तो नहीं होगा। कुछ लोग होते लेने वाले, कुछ लोग होते छीनने वाले। अब सही, उस पर्सन पे डिपेंड करता है, वो मांग के लेगा या छीन के छीन लेगा। के लेगा। तो छीन, अगर छीन के अगर किसी का लेने का मेंटेलिटी हो तो वो कुछ, उसको कुछ भी दे दो, वो सर वो पढ़ लेगा, वो आराम से वो कर लेगा। तो जरूरत अगर वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ अगर आप चाहो तो आप घर पे बैठ के भी कर सकते हो, कोई मतलब ऐसा इशू नहीं जो मेरे को यहाँ जाना ही पड़ेगा, मेरे को ये करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं पर्सन टू सही पर्सन कंपटीशन यही। सही सही सही। नहीं, ऑफलाइन कोचिंग मुझे समझ नहीं आता क्यों करते हैं लोग इसमें, इस एग्जाम के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने 4 साल कॉलेज में पढ़ा हुआ, सारे सब्जेक्ट आपके क्लियर हैं, बस एक रिवीजन चाहिए रहता है, एक कंसाइज चीज़ें, आपको मटेरियल मिल जाएगा, भैया ये पढ़ना है, ये PYQ पेपर है, ये देख लो, और यहाँ से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, नितेश ने बिल्कुल सही कहा कि जो लोग हैं आजकल, लोग सिर्फ अपना फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं, तो जितना टाइम आपको दे रहा है, कहीं किसी भी जगह पे हो, जो समय आप दे रहे हैं, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करिए, अपना सिलेक्शन मैटर करता है, कोई बाद में आपको पूछने नहीं आएगा, ठीक है? टॉपर्स का सब लोग वाह वाही करते हैं, गले लगाते हैं, लेकिन फेलियर को कोई नहीं गले लगाता, ये आपने देखा भी होगा अभी कुछ दिनों में, ठीक है? तो उस तरीके से काम करिए, नितेश ने जो बोला है उसको फॉलो कीजिए, और नितेश का चैनल भी है यूट्यूब पे, ये आपको पढ़ाते भी हैं, गाइड करते हैं, तो चैनल का लिंक नितेश का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मैं दे दूंगा, इनको फॉलो कीजिए, और इनके जो क्लासेस वगैरह हैं वो भी देखिए, और हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एग्रो अकेडमी पे आपके लिए क्लासेस लेकर आएँ, अगर पॉसिबल हुआ तो कुछ क्लासेस DI वगैरह आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है? मैं आपको DI डिकोड करना सिखा दूंगा, कैसे डिकोड करते हैं DI को।
बिल्कुल बिल्कुल नितेश, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस। थैंक यू वेरी मच, ओके बाय और बाय। आपके चैनल के लिए भी बहुत ओके शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू हाँ बाय। थैंक यू ब्रदर।